सरकार द्वारा जारी किए गए आत्मसमर्पण योजना के तहत साल भर में विभिन्न मुठभेड़ों में नक्सलियों का किया गया खात्मा एवं हिंसा के जीवन को परेशान हुए वरिष्ठ नक्सलियों सहित अधिक जहाल नक्सलियों ने आज तक आत्मसमर्पण किया है। उसी के चलते आत्मसमर्पित नक्सलियों का गढ़चिरौली पुलिस द्वारा पुनर्वास के कारण नक्सली बड़ी मात्रा में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हाल ही में 12 लाख रुपए इनाम रहे नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। गढ़चिरौली पुलिस के सामने राम सिंह आत्राम और माधुरी मट्टा में ये दो माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। ये दोनों ही गढ़चिरौली के रहने वाले हैं। एक भामरागढ़ टेक्निकल दलम में ACM है और माधुरी जो है वो पिरमिली दलम में ACM के पद पर कार्यरत थी। दोनों के ऊपर कई गुनाह दाखिल हैं, खून के गुनाह हैं, पुलिस के साथ मुठभेड़ के गुनाह हैं, जाड़पोड़ के गुनाह हैं और इन दोनों ने कई सालों तक नक्सल की विचारधारा पर चलने के बाद ये एहसास किया कि ये खूनी विचारधारा है जिससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और जो हमारे हमारे अपने आदिवासी भाइयों का इसमें नुकसान हो रहा है उन्हीं को हम मार रहे हैं। ये एहसास होने के बाद इन दोनों ने शासन की जो पुनर्वसन योजना है, जो नवजीवन योजना है, उससे प्रभावित होकर गढ़चिरौली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। इन दोनों को ही 4.5 लाख रुपये कैश और उसके अलावा प्लॉट और घर बांधने के लिए जो अलग अलग योजनाएं हैं उसमें उनको समाविष्ट किया जाएगा और उनको नौकरी या स्वयं रोजगार के लिए भी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। इस साल नक्सली सरेंडर की तादाद बढ़ती जा रही है, क्या बोलेंगे? देखिए, जैसे मैंने बताया कि नक्सल की जो खूनी विचारधारा है उस खूनी विचारधारा में वो लोग जो क्लेम करते हैं कि हम आदिवासियों के लिए लड़ते हैं, जब लोग दलम में भर्ती होते हैं तब की उनकी मानसिकता और जब कुछ टाइम निकल जाता है तब उनको समझ में आता है कि ये विचारधारा हमारे लिए सही नहीं है, तो इसीलिए वो विचारधारा छोड़ के वापस आ रहे हैं। खासकर जो गढ़चिरौली के लोकल दलम में जो लोकल सदस्य हैं गढ़चिरौली के, वो ज़्यादा संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं क्योंकि उनको ये भी दिख रहा है कि जो शासन की नवजीवन योजना है उसमें जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है उनका काफी अच्छे से हम लोग पुनर्वसन करते हैं। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।